नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लिस्टिंग के सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे साथ देश विदेश की विख्यात केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं, और वो आज हमको एक नए विषय पे हम लोगों का ज्ञान वर्धन करेंगी। तो दीदी नमस्कार, आप कैसी हैं? ठीक नमस्कार। बिल्कुल ठीक है। है अच्छा, जी। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि मेरी ख्याल में वैदिक एस्ट्रोलॉजी से बहुत मुश्किल है उसका आंसर जानना, तो वो केपी एस्ट्रोलॉजी उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो वो क्वेश्चन ये है कि हमारा सामान कोई खो गया है, जैसे किसी का कोई कॉस्टली सामान जो है, कोई जेवर या कोई बहुत बड़ा पैसे का बैग या कोई चीज अगर खो जाती है या चोरी हो जाती है, तो उसके बारे में पता करना, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो दीदी आप हमको सबसे पहले ये बताइए कि अगर कोई सामान किसी का खो गया है तो वो डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये खोया है कि चोरी हुआ है पहले तो? ये तो एक्चुअली व्यक्ति जो स्वयं है ना, वो खुद ही बता पाएगा कि भाई उसके घर से गायब हुआ है, या वो कहीं जाते आते कहीं छूट जाता है, या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तब छूट जाता है। वो तो खोया हुआ माना जाएगा, ठीक है। और कोई उठा के ले जाता है उसका सामान तो वो चोरी हो जाती है। थोड़ा सा ये फर्क है। और इसमें भी कृष्णमूर्ति पद्धति में भी होरारे एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें इसकी आंसर की एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हम कुंडली से देखते हैं तो कुंडली में दशा अंतर दशा के चक्कर में बहुत दिक्कत आती है। होरारे में प्रश्न कुंडली से यदि कोई पूछना चाहता है कि मेरा खोया हुआ सामान मिलेगा कि नहीं, कीमती सामान, जी उसका आंसर यस और नो में मिल जाता है। और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा, जी इस तरह से हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए भी हमें नंबर लेना होता है उससे, तो उसका प्रश्न एकदम स्ट्रेट एक ही रहना चाहिए उसमें कि भाई मेरा खोया हुआ सामान मिलेगा या नहीं, यही प्रश्न है क्लियर। क्योंकि जितना क्लियर प्रश्न होगा उतना ही क्लियर आंसर आएगा। अगर कॉम्प्लिकेटेड हम प्रश्न कर देंगे क्वेश्चन, तो उसमें और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो यह हमने प्रश्न ले लिया, उससे नंबर ले लिया, और हमने उसकी कुंडली बना ली। उसमें हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा सामान खोया है, बहुमूल्य है, सोना चांदी हीरा मोती या पैसे भी हो सकते हैं, तो हम 12th हाउस का सब लॉर्ड लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारी चीज खोई हुई चीज है, खो गई है, हमारे पास नहीं है, वो खो गई मतलब हमको लॉस हो चुका है। तो 12th हाउस का सब लॉर्ड हम लेते हैं, और उसका कनेक्शन, वो वही तीन शर्त हमारी पहले भी रहती हैं कि वो वक्री ना हो, वक्री ग्रह के नक्षत्र में ना हो, ये तो दो हो गई। अगर वो मान लीजिए खुद वक्री है, तो सबसे पहले प्रश्न वही अटक जाता है कि भाई ये तुम्हारी जो है, जब तक ये वक्री रहेगा तब तक इस प्रश्न का कोई सही आंसर नहीं आ पाएगा, मिलने की संभावना अत्यंत क्षीण हो जाती है। और अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में वो ग्रह हो गया तो समझ लीजिए कि उसको नहीं मिलेगा, ये ऐसे ही आंसर आ जाता है। तीसरा आता है कि अगर मान लो ये दोनों वक्री भी नहीं है, वक्री ग्रह के नक्षत्र में भी नहीं है, तो वो जिस भी नक्षत्र में है तो वो सिग्निफिकेटर होना चाहिए 2nd हाउस का, 6th हाउस का और 11th हाउस का, है गेन ना। उसकी होना मतलब 6 और 11 है गेन, और 2nd हाउस है रुपया पैसा मनी महंगी चीजें जो हैं, ये अगर ऑपरेट हो जाते हैं, वो सिग्निफिकेटर बन जाता है इन भावों का, तब तो आप समझ लीजिए कि उसको मिल जाएगा। मिल जाएगा, कब मिलेगा, उसके लिए वापस वही हमें दशा मेथड से दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा देखनी पड़ेगी। तो जब वो मिलने उसका समय होगा, उस समय वो वस्तु मिल जाएगी, वरना तो फिर शुरू में ही वो कट हो जाता है कि नहीं। और अगर इनका सिग्निफिकेटर नहीं है 2, 6 और 11 का, उसके विपरीत 8th हाउस, 12th हाउस और 5th हाउस का सिग्निफिकेटर वो बनता है, तो नहीं मिलेगा। मतलब कि सामने वाले को मिल चुका है और उसने उसका लाभ उठा लिया है, अब वो आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से हम इसका पता लगा लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दीदी। अच्छा, ये भी पता चल सकता है कि किसके पास है ये सामान, अगर मान लीजिए मिलने की संभावना है या फिर नहीं भी है मान लीजिए, तो किसके पास होगा, वो हमारा करीबी होगा या फिर बिल्कुल अपरिचित होगा, इस तरीके से कुछ पता चल सकता है? हाँ, ये एक्चुअली फिर इसके लिए हमको एक अलग प्रश्न करना पड़ेगा, अलग नंबर लेना पड़ेगा कि चोर कौन है। जी इस तरह से फिर सीधा अपने को यही करना पड़ेगा कि जी चोर कौन है। नंबर ले लिया तो हम तो लग्न से देखते हैं खुद को,
चोर साम्य वाली जो सप्तम भाव, तो सप्तम भाव का सबलॉर्ड हम देख लेंगे वो किस भाव में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, वहां पे कौन सी राशि है, कोई ग्रह बैठा हुआ है क्या, उसी के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर डिसाइड हो जाएगा। और अगर वो किसी राशि विशेष में जा रहा है, जैसे थर्ड हाउस में जा रहा है मान लीजिए, तो उसका कोई परिचित या उसका कुछ मिलने जुलने वाला है ना। फोर्थ हाउस में जा रहा है तो वो घर के अंदर ही कहीं हो सकती है, इधर उधर भी रखी रह सकती है, या घर के सदस्य जो होते हैं कुछ भी वो उनमें से कोई उठा सकते हैं। तो जिस तरह से वो भाव जाएगा, जिस जगह भी वो सब लौट जाता है, उससे हम अनुमान लगा लेते हैं कि भाई वो किसने ली होगी। और उसके बाद जो है स्ट्रक्चर जो है हम सेवेंथ हाउस से देख लेते हैं कि कौन सी राशि है और कौन ग्रह वहां पर है जी। अगर वो टेंथ हाउस से जुड़ता है तो समझ लीजिए कि ऑफिस में या कहाँ जहाँ वो काम करता है वर्किंग प्लेस में, वहां पर वो चोरी हुई है, वहां किसी ने लिया है जी। तो सेवेंथ का, जैसे सेवेंथ का सबलॉर्ड देखा है, वो लग्न से चौथे घर में होगा कि सेवेंथ से चौथे घर में होगा? नहीं, लग्न सेवेंथ हाउस का सबलॉर्ड फोर्थ हाउस में, लग्न से चौथे घर में। ओके, और अगर छठे भाव में होता है तो जरूर फिर हमारे नौकर चाकर जो हमारे अंडर में काम करते हैं, हमारे एम्प्लॉय, उन लोगों ने चोरी किया है, ये पक्का करना। क्योंकि छठे भाव हमारे नौकर चाकरों का जो हमारे अंडर में काम करते हैं उनके बारे में भी होता है, तो ये इस तरह से हमें पता लग जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें डायरेक्शन का भी कुछ अनुमान लग सकता है क्या कि किस डायरेक्शन में है? इस प्रश्न में डायरेक्शन का नहीं लगेगा जिसमें व्यक्ति का है। हाँ, पिछले प्रश्न जो था हमारा कि मेरा सामान चोरी हुआ है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अगर वो उसके मिलने के योग होते हैं ना, तो जो ग्रह उसको मिलना मिलने के लिए उत्तरदायी होते हैं प्रमुख रूप से, कोई ग्रह होता है उसकी जो दिशा होती है उस दिशा को हमें देखना चाहिए। जैसे बुध मान लीजिए आता है तो उत्तर दिशा की तरफ, यदि गुरु आता उत्तर पूर्व है, सूर्य है तो सिर्फ पूर्व है, मंगल है तो दक्षिण दिशा, तो इस तरह से हम जो है ग्रहों के आधार पर ही उनको दिशा का संकेत दे सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो लिमिट्स रहती है प्रश्न पूछने की जी। एक ही प्रश्न कुंडली में हम दूसरा प्रश्न ऐड करके उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो जो भी प्रश्न कुंडली के आएगा के लिए आएगा वो एक ही क्वेश्चन करे बस, प्रश्न करे और क्लियर कट प्रश्न करे तो आंसर भी क्लियर आता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो ऐसा आपके साथ हुआ है जब कोई आपके पास आया हो, उसने बोला हो कि हमारा ये सामान खो गया है, या कोई जेवर का बैग या रुपए खो गया है, तो ऐसे लोग क्वेश्चन आते हैं आपके पास? अभी यहाँ दिल्ली में हूँ मैं, यहाँ बहुत दिन से नहीं आए हैं, लेकिन जब मैं उदयपुर में रहती थी वहाँ पे अक्सर वहाँ पे लोग आते थे, मैडम मेरा ये खो गया है, तो उस समय हम लोग उनकी जन्म कुंडली से भी देख के देख लिया करते थे कि चोरी का क्या योग है, या फिर प्रश्न कुंडली से भी देख लेते थे, तो कई बार मिल जाता था, कई बार नहीं मिल पाता था सामान, अब योग नहीं है तो नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बताया दीदी आपने, और ये काफी यूजफुल जानकारी है ये, और ये सडन जरूरत पड़ती है किसी के लिए। अगर किसी का कुछ सडनली खो गया है तो उसने सारे ऑप्शन ट्राई कर लिए पुलिस को या जिसको भी रिपोर्ट करनी है, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब यदि जुड़ता है समझ लीजिए तो समझ लीजिए नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा बिल्कुल, जुड़ता है तब भी नहीं मिलेगी। जरूरी नहीं है कि पंचम अष्टम और द्वादश भाव सारे एक साथ जुड़े ही सही, चली गई दूसरे के पास चली गई, दूसरे को मिल गया है वो, है ना। उससे जैसे अपने लिए रुपया पैसा देखते हैं धन, तो वो अष्टम भाव जो है सामने वाले का है, चाहे वो चोर है चाहे उसको अनजाने में मिली है, आपसे खो गई है सड़क पे गिर गई है और उसको मिल गई है, तो हम उसको चोर नहीं कह सकते, लेकिन मिल गई है बिल्कुल, सर ये चीज कोई भी उठा सकता है। ठीक बात है, सामने वाले का दूसरा दसवां ग्यारहवां ये चलेगा तो गया वो सामान। बहुत अच्छा दीदी, बहुत ही यूजफुल जानकारी बताई आपने, और ये मतलब ये काफी लोगों के लिए ये वीडियो भी काफी यूजफुल रहेगा, और किसी को हमारे दोस्त को अगर किसी को इस तरह की कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके का कंसल्टेशन चाहिए हो तो वो दीदी से संपर्क करें, और उनका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है,
तो दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना ज्ञान बांटने के लिए लोगों से, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। ज्ञान बांटने के लिए होना चाहिए, जो ज्ञान बांटा नहीं जाता ना वो विद्या लुप्त हो जाती है, वो आपके साथ ही चली जाएगी। बिल्कुल सही बात वो है ना, अपूर्वो को अपि कोशो अयम विद्यते तव भारती, जयते मृत्युम आयाति क्षयम आयाति संचयात। एकदम सही। हिंदी में भी है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यो ज्यो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घट जा। बिल्कुल बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ी सेवा है ज्योतिषी की। सही बात है, ज्योतिषी की जो हमारी वैदिक साइंस है उसकी बहुत बड़ी सेवा है। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद।